नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूँ आपके साथ भाग्यश्री। मुंबई के कुर्ला पश्चिम स्थित एसआरए की इमारत में आग लगी। इस हादसे में फायर ब्रिगेड ने करीब 50 से 60 लोगों को रेस्क्यू कर इमारत से बाहर निकाला। सफोकेशन के चलते 35 लोगों को नजदीक के राजावाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूपी की राजधानी लखनऊ के आलमबाग में पुरानी रेलवे कॉलोनी में एक मकान गिरने से बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में आमरपाली ड्रीम वैली की बिल्डिंग में पैसेंजर लिफ्ट गिरने से हुए हादसे में मजदूरों की मौत की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। कल लिफ्ट में फंसे 4 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई थी। अन्य मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसमें 4 की आज इलाज के दौरान मौत हो गई है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने यहां एक आतंकी को ढेर कर दिया है। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। सनातन धर्म के खिलाफ हो रही बयानबाजी को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव ने प्रतिक्रिया दी है। वाराणसी दौरे पर पहुंचे बाबा रामदेव ने कहा कि सनातन विरोधियों को 2024 में मोक्ष मिलेगा। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान से संबंधित मामले में इनकम टैक्स विभाग की टीम ने 3 दिन लगातार रेड की है। इस रेड में आजम खान के जोहर ट्रस्ट के संबंधित 26 ठिकानों पर एक साथ रेड की गई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में भारी बारिश के बाद आज सभी स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की गई है। इंदौर में भारी बारिश को देखते हुए डीएम ने जिले के सभी शासकीय और अशासकीय विद्यालयों में 16 सितंबर 2023 को अवकाश घोषित कर दिया है। निपा वायरस को लेकर केरल के कोझिकोड में अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने यहां 24 सितंबर तक स्कूल कॉलेज बंद रखने का फैसला किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर जाएंगे। बस्तर जिले के जगदलपुर में वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने ब्रिटेन में अमेरिकन एक्सेल बुली ब्रीड के कुत्तों पर बैन लगा दिया है। उन्होंने कहा कि खतरनाक नस्ल का यह कुत्ता हमारे समुदाय के लिए खतरा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर भारत के प्रदर्शन कला क्षेत्र के 84 कलाकारों को पहली बार संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार प्रदान करेंगे, जिनकी उम्र 75 साल से अधिक है और जिन्हें अभी तक अपने करियर में कोई राष्ट्रीय सम्मान नहीं दिया गया है। मौसम विभाग ने मुंबई में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं ठाणे, पालघर, रायगढ़ और धुले के लिए आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। गणेश उत्सव से पहले महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में लालबाग के राजा की पहली झलक लोगों को देखने को मिली है। इस दौरान पहली झलक देखने के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। एनसीपी पार्टी और चुनाव चिन्ह पर एसी की सुनवाई पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम भी चुनाव आयोग के सामने अपना पक्ष रखेंगे। अभिनेता गोविंदा एक बार फिर विवादों में है। ओडिशा पुलिस की ईओडब्ल्यू डिपार्टमेंट 1000 करोड़ रुपए के पोंजी स्कैम मामले में जल्द ही गोविंदा से पूछताछ कर सकती है। गोविंदा को जल्द ही ईओडब्ल्यू समन जारी कर सकती है और पूछताछ के लिए उन्हें ओडिशा बुलाया जा सकता है। एशिया कप में भारत का फाइनल का टिकट पहले ही पक्का हो चुका था, लेकिन शुक्रवार को बांग्लादेश ने टीम को बड़ा झटका दिया है। बांग्लादेश ने इस मैच में भारत को 6 रनों से हराया है और टीम इंडिया के खिलाफ इतिहास बना दिया। शुभमन गिल ने वनडे क्रिकेट में अपना 5वां शतक पूरा किया है। हालांकि पहली बार लक्ष्य का पीछा करते हुए गिल ने शतक जड़ा है। शाहरुख खान की जवान दुनिया भर में तहलका मचा रही है। फिल्म को रिलीज हुए 9 दिन हुए हैं और इसमें ग्लोबली बॉक्स ऑफिस पर 700 करोड़ कमाकर इतिहास रच दिया है। शाहरुख खान ने बताया कि उन्हें सुहाना खान और आर्यन खान से स्टारडम टिप्स मिली है। एक्टर ने कहा कि वे चाहते हैं कि मेरी अगली 5 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट रहे। जवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, फिल्म के निदेशक इटली कुमार, विजय सेतुपति, सान्या मनोत्रा और सुनील ग्रोवर के साथ खूब धमाल करते हुए नजर आए हैं। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए बीसीएन न्यूज़। नमस्कार।